नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर में इंदिरा आईवीएफ केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उनके साथ इंदिरा आईवीएफ केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर अजय मुर्दिया और नागपुर केंद्र की व्यवस्थापक डॉक्टर मयूरी असुद्दानी विशेष रूप से मौजूद रही। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने इंदिरा आईवीएफ केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर अजय मुर्दिया और नागपुर केंद्र की व्यवस्थापक डॉक्टर मयूरी असुद्दानी से विस्तार से बात की। आइए देखते हमारी यह खास रिपोर्ट। आज नागपुर में इंदिरा आईवीएफ का पहला केंद्र खोला गया है, जिसका उद्घाटन माननीय नितिन गडकरी जी के हस्ते किया गया है। हमारे साथ इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर अजय मुर्दिया सर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं इसके बारे में। मैं डॉक्टर अजय मुर्दिया, चेयरमैन इंदिरा आईवीएफ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सर, अभी जो क्लिनिक खोला गया है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था नागपुर में खोलने का, और इसके पहले के जो केंद्र है वो कहाँ कहाँ पर है? हमारी कोशिश थी कि महाराष्ट्र की ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को ये सुविधा कम से कम दामों में हम दे सकें। इस हेतु 2016 में हमने एक सेंटर खोला था नागपुर में ही, पर चूँकि सक्सेस रेट और ट्रांसपेरेंसी और इतना अच्छा लगा लोगों को और इतनी भीड़ हो गई कि हम लोगों को ये 5 साल के अंदर ही दूसरा सेंटर, बड़ा सेंटर खोलना पड़ा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी सुविधाएं न्यूनतम दरों पर दे सकें। तो सर, आपको उम्मीद है कि यहाँ से बहुत से ऐसे जो है निसंतान जो दंपति है वो आपके पास आएंगे और वो अफोर्डेबल उनके लिए होगा? हमारी कोशिश ही यही है, अफोर्डेबिलिटी हमारा एक, आप कह सकते हैं कि हमारा एक उद्देश्य है कि हम लोग सब लोगों को, जो भी मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के हैं, उनको भी हम लोग संतान प्राप्ति का सुख दे पाएं नवीनतम तकनीक को यूज़ करके। सर, इसके लिए कुछ अवेयरनेस का कुछ आपने चलाया है कि जिसके बारे में इसके अवेयरनेस हो सके? अवेयरनेस हमारा कंटिन्यूस प्रोग्राम है, जहां हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं, निसंतानता के बारे में जागरूक करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अब तक लगभग 2000 निःशुल्क कैंप हम लोग लगा चुके हैं 700 से ज़्यादा शहरों में और 22 से ज़्यादा सिटीज़ में। हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो आज भी चालू है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिस्कस करें, और समाज में जागरूकता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, तो इसमें कोई शर्म करने की कोई बात नहीं है। जाइए डॉक्टर के पास, इलाज की कोशिश कीजिए और आपको साइंटिफिक तरीके से इलाज, संतान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, रेदर देन के आप नीम हकीम या किसी और के पास जाएं। थैंक यू। हमारे साथ मयूरी मैम भी मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं, जो नागपुर सेंटर की मैनेजर है, आइए उनसे भी जानते हैं कि इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। हेलो एवरीवन,
हमारा बेसिकली ये 2016 में सेंटर खुल चुका था, बट स्पेस कम हो गई, साइकिल्स बढ़ गई, पेशेंट्स आने लगे, तो उनको एक बेहतर और अच्छा स्पेशियस सेंटर देने के लिए हम एक नए प्रेमाइसिस जो अभी हमारा सेंटर अभी नेक्सस पॉइंट के फर्स्ट फ्लोर पे हमने खोला है. सो इस सोच से खोला है कि जो भी अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो आएँ अपना ट्रीटमेंट कराएँ. और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम मोर एंड मोर अवेयरनेस करें. बहुत बार ऐसा होता है कि हर कोई महिला जो आ रही है वो 35 इयर्स के बाद आ रही है, पर 35 इयर्स में क्या होता है, काफ़ी बार एग्स ख़त्म हो जाते हैं, अंडे ख़त्म हो जाते हैं. तो एग्स ख़त्म होने की वजह से उनको काउंसिल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अब कम अंडे बचे हैं. अगर हम जल्दी ही अपना एक साल संबंध होने के बावजूद अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और वो हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे लिए ईजी रहता है कि हम उन्हीं के अंडों के साथ और उन्हीं के शुक्राणु के साथ उनको माँ बाप बना सके. एंड जितना जल्दी हो, क्योंकि एक एज फैक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई 40 इयर्स का है आज वो अगर बच्चा करते हैं तो वो बच्चा एक साल का होता है और वो 41 इयर्स, तो ये एज जनरेशन गैप भी खत्म हो. और आईवीएफ इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, जैसे नेचुरल होता है, जो काम ट्यूब अंदर करती है, जो फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, वही चीज हम बाहर करते हैं. तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि बच्चा कुछ अलग होता है या कुछ ऐसा अलग कुछ अलग ही करते हैं. ये एक नेचुरल प्रेगनेंसी है. आज तक हमारे 4000 पॉजिटिव प्रेगनेंसीज हो चुके हैं, उसमें से करीबन 60% रेट हमारा ट्विंस का है, 40% हमारा सिंगलटन का है. और आईवीएफ के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वंस, क्योंकि वो एक बेस्ट एग और एक बेस्ट स्पर्म से बनते हैं. तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि जो भी कपल हमारे पास आए, एज़ गडकरी सर ने बोला कि आज हम 80% पे अगर हम चल रहे हैं तो हमारा वो चीज़ 100% पे चले जाए, बस हमारा यही उद्देश्य है. अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले सर ने बताया था कि महिलाओं के अंडे को फ्रीज करके भी रखा जा सकता है कुछ साल पहले, तो इसके बारे में थोड़ा सा. देखिए, करियर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है कि जहाँ पे एक लेडी को ये नहीं समझ में आता है, मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियर्स हो, 28 तक तो उनकी पढ़ाई चलती रहती है, लेकिन उसके बाद उनके लिए ज़रूरी रहता है कि वो अपने एग्स फ्रीज कर दें और वो जब माँ बनना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं अपना समय कि आपको कब माँ बनना है, तो आप तब माँ बन सकते हैं. तो एग फ्रीजिंग एक टेक्निक है, बहुत सारे एक्ट्रेसेस, बहुत सारे फिल्म स्टार्स ये सब चीज़ें अपनाते हैं, क्योंकि अगर वो तंबाकू और सिगरेट और इन सब का भी सेवन करते हैं, अगर उनके एग्स फ्रीज्ड हैं तो दे कैन डू इट, एंड देन जब उनको माँ बनना है वो माँ बन सकते हैं अपने ही अंडों के साथ. इसमें क्या खाने पीने जो अभी फास्ट फूड जो खाते हैं, क्या ये भी मेन उद्देश्य ये है क्या इसका कुछ कारण? देखिए, पहले WHO का रहता था 1 in 10 कपल्स, बट अब हो गया है 1 in every 3 कपल्स. तो ये जो रेट कम हुआ है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, क्योंकि हमारे नहीं रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अपने अंदर के शरीर में ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारे सामने नहीं दिखते हैं, कोई खून की जाँच हमें नहीं बताती है कि ये चीज़ होती है. तो आजकल क्योंकि इतना चीज़ चेंज हो गया है तो हमारे बॉडी पे जो इफेक्ट आ रहा है, तो जो चीज़ पहले 35 के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाते थे लाइक शुगर या BP, अब वो 28-29 में होने लगे हैं. तो अगर हम मॉडिफिकेशंस तो इतने कर नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, मिलता भी नहीं है इतना. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी एटलीस्ट जांच करके, एक इनफर्टाइल कपल अगर अपनी जांच भी करे तो उसको पता रहता है कि हमारे पास समय कितना है नेचुरली कंसीव करने के लिए. एक हमारे चेयरमैन सर ने इतनी अच्छी चीज़ की है कि जो चाचे बाहर 15-20 हज़ार रुपये में होती है, वही जाँचें हमारे यहाँ पे 5000 में दोनों कपल्स की हो जाती है. करीबन उसमें 20-22 जाँचें कम्प्लीटली हो जाती हैं और उसमें पता चल जाता है कि किस कपल में क्या प्रॉब्लम है, किसको कितना समय है, किसका बायोलॉजिकल टाइम कितना की है नेचुरल कंसेप्शन करने के लिए. इवन हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि इसको एक साल में बच्चा ठहरेगा, अगर नहीं ठहरेगा तो इसको IVF ही कराना पड़ेगा. तो ये सब टेक्निक्स हैं. 5000 कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी कपल के लिए, कोई प्रॉब्लम जानने के लिए तो आई थिंक हर कोई अफोर्ड कर सकता है. और सर का मुर्दिया सर का यही कहना था कि हम अफोर्डेबल बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और क्योंकि IVF पहले सिर्फ रिच क्लास और एलीट क्लास ही अफोर्ड कर सकता था, अब इट्स अ कॉमन मैन प्रॉब्लम. तो बच्चा तो हर किसी को चाहिए, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो कुछ भी हो. तो हमारी बस यही उद्देश्य है कि हम जल्दी से जल्दी सारे लोगों को, क्या कहते हैं सर, भारत निसंतानता भारत छोड़ो, ये हमारा एक स्लोगन रह चुका है. निसंतानता भारत छोड़ो अभियान चलाया, अभियान चलाया, ज़्यादा कोई भारत में निसंतान नहीं रहे, ये हमारी अक्सर कोशिश रहती है. और मेरा ऐसा कहना भी है कि अगर आपने पहले ऐसा होता था कि IVF बिल्कुल लास्ट में कराते थे, 10 साल 15 साल 20 साल दूसरी जगह डॉक्टर से नीम हकीमों से इलाज कराया और नहीं हुआ तो फिर अब IVF कराएंगे. मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपने 2 साल
नॉर्मल जांचें करा ली है, डॉक्टरों से इलाज करा दिया है और अगर उसके बाद भी बच्चा नहीं हो तो आदमी को या उस कपल को IVF के लिए जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी संतान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रीन इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपडेट के लिए आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।